मुझे नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है अभी इंडस्ट्री में से. दे वर लाइक आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हो सकता है हीरो के साथ भी करना पड़े. ये तो छोड़ दे, इंडस्ट्री छोड़ दे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट गोज इन द इंडस्ट्री. मेरी तरफ से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मुझे मारे. क्योंकि उनकी तरफ से जब गलतियाँ हुई तो मैंने तो उन्हें नहीं मारा. हाई टेली मसाला, आप सभी को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल यू वंडरफुल फोक्स देयर. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला. मैं हूं अंबिका सिंह और मेरे साथ है आपकी अपनी वैष्णवी. आज वुमेंस डे है तो मैंने सोचा कि इतनी पावरफुल स्त्री से मिलने से बेटर और क्या होगा. सो वैष्णवी, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल पावरफुल बोलने के लिए थैंक यू. आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल. सो क्या चल रहा है वैष्णवी इन दिनों? इन दिनों बस काम का इंतज़ार, काम के जो कॉल्स आ रहे हैं, कैसा लग रहा है रोल, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. बाकी टाइम मैं वेली हूँ, बेसिकली कुछ नहीं कर रही हूँ. आपका आजकल पावरलेस फील हो रहा है, क्योंकि आई थिंक एक एक्टर को प्रोफेशन में तभी अच्छा लगता है जब वो अपने मन मुताबिक कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, या उसे रोज़ काम पर जाने के लिए एक्साइटमेंट हो एंड मज़ा आए. तो बस उसी का वेट कर रही हूँ मैं. मतलब आप क्यों नहीं आ रहे हो स्क्रीन पर? कोई रीज़न है कि आप खुद से नहीं आना चाह रहे हो, या आपके पास रोल्स नहीं आ रहे? नहीं, रोल्स आ रहे हैं, बट कुछ ना कुछ कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है. कभी बजट वर्कआउट नहीं हो रहा है, कभी उन्हीं को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, कभी मुझे वो रोल पसंद नहीं आ रहा है. सो कोई भी एक्चुअली अभी 17 ईयर्स इंडस्ट्री में काम करने के बाद इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए हैं कि अब मुझे एनी कोई भी रोल प्ले करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. तो एक वो एक लिमिटेशन आ गई है, एक तरह का बाउंड्री सेट हो गया है कि नहीं वैष्णवी, तूने ये रोल प्ले कर लिया है, अब ये ऐसा रोल मत प्ले कर. बिकॉज एज अ क्रिएटिव पर्सन आप नहीं चाहते हो कि आप वैसा रोल वापस दोबारा प्ले करें, बिकॉज एक मोनोटनी और एक सेट हो जाते हो आप, एक फ्रेम में सेट हो जाते हो. वैसा मुझे नहीं चाहिए. दैट्स वाई आई थिंक कि मुझे अभी कोई डिफरेंट काइंड ऑफ रोल का इंतज़ार करना चाहिए. यस, जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि 17-18 ईयर्स आपने काम किया, ना आना है इस देश मेरी लाडो, और ऐसे कई सारे शो CID में आपने इतना अच्छा, मतलब सबका लोगों के दिलों पे एक अपने कैरेक्टर अलग ही छाप छोड़ा है. या सो क्या कहना चाहेंगे वैष्णवी, जो अब इंडस्ट्री में इतना बदलाव देखने मिल रहा है, बिकॉज आपके टाइम पे जो शोज़ होते थे ना वो एक लॉन्ग टर्म में चलते थे वो, बट अभी के जो शोज़ हैं आप देख सकते हो उतना नहीं चल पा रहा है. तो व्हाट यू थिंक, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? मुझे ऐसा लग रहा है आजकल के शोज जो है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ ऐसा बोलने के बाद, वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हैं. पहले जब कंटेंट लेकर आते थे या कुछ, तो वो एक सोशल मैसेज होता था. लाडो में एक सोशल मैसेज था, फीमेल फीटिसाइड, फीमेल तो बोलते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर, लेकिन जो छोटी बच्चियों को हरियाणा में मार दिया जाता था, पानी में डाल के या गाड़ दिया जाता था, बिकॉज वो एक लड़की है. तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था. CID में बहुत सारे रियल लाइफ में जितने क्राइम्स होते हैं, क्या होता है, वो दर्शाया जाता था. और बाकी भी बहुत सारे शोज ऐसे बने हैं लेकिन वो चले नहीं, अनफॉर्चुनेटली. बट आजकल वही सास बहू सागा और वही फैमिली ड्रामा में सब लोग हमेशा घुसे हैं, क्योंकि कुछ शोज चल गए वैसे तो. और पहले आई थिंक सास बहू सागा चल गया बिकॉज उस कसौटी ज़िंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उस वैसा कभी आया नहीं था. उसका लुक बहुत ग्रैंड था, ज्वेलरी कपड़े वो एकदम अलग था, तो वो चल गया. अब आप बहुत सालों बाद भी वही रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं रिक्रिएट होगा. तो आई थिंक पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री को ना एकदम रिफर्बिश, मतलब पूरा नया लेके आने की कोशिश करनी चाहिए. बट आई थिंक कि ग्रेविटास मिसिंग है आजकल के शोज़ में. आजकल के शोज़ में जो एक होता है ना कि लोगों को लोग देखें और बस वो पकड़ में आ जाए, कुछ कुछ शोज ऐसे हैं, आज भी है, स्टार प्लस पे भी है, कलर्स पे भी है, बट आपकी नज़र हटे ना उस शो से, उस स्क्रीन से जब वो शो चले. तो ऐसे शोज बहुत कम बन रहे आजकल, आप बताइए. ऐसे सही है, मैं गलत बोल रही हूँ? कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही हो, बिकॉज सोशल मीडिया, अगर आप देख सकते हो, सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आपके बोलने से पहले वो लोगों तक पहुंच जा रहा है. जब तक आप सोचेंगे कि हाँ ये आगे बढ़े, उससे पहले सोशल मीडिया हर जगह, इनफैक्ट हर एक कोने में पहुंचा दे रहा है. देश के बाहर हर कोई हर एक चीज़ से अलर्ट हो जा रहा है.
मैं आपसे अगर जानना चाहूँ आपके टाइम पे, बिकॉज इतना टाइम आपने स्पेंड किया इस इंडस्ट्री में, कैसे शुरू, मतलब शुरुआत में कैसे था आपका वो शूट करना? बिकॉज आज वुमेंस डे है तो आज हमें लाइक वुमेंस के बारे में ही ज़्यादा बात करनी चाहिए. लाइक वुमेंस को कितना ज़्यादा सेफ्टी होती है इस इंडस्ट्री में, और कितना, मतलब क्या मेल से ज़्यादा वो उन्हें इज्जत मिलती है या कम मिलती है, ये आप बेहतर बता सकते हो. टेलीविजन इंडस्ट्री में मुझे तो हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट मिली है, और सारी लड़कियों को भी, और अपनी टेलीविज़न इंडस्ट्री ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी हद तक बहुत सेफ़ है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी. और आई थिंक इट्स अ वुमेन्स इंडस्ट्री बिकॉज वुमेन आर गेटिंग मोर पेड, गेटिंग मोर मनी देन द मेल एक्टर्स. तो वुमेन रूल अ टेलीविज़न इंडस्ट्री, ये तो मैं बोल सकती हूँ. बॉलीवुड अलग सीन है, बॉलीवुड में मेल्स मेल डोमिनेटिंग है, पर अपना टेलीविज़न जो है वो फीमेल डोमिनेटेड है. तो औरतों को तो बहुत रिस्पेक्ट और बहुत मतलब तहजीब से और अदब से रखा जाता है, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम तो मतलब मतलब वो गाय भैंस नहीं होते, 25-25 घंटे काम कर रहे हैं, 72 hours 78 hours सेट पे ही सो रहे हैं, सेट से ही जा रहे हैं, घर पे जा ही नहीं रहे हैं, ब्रश लेके आ रहे हैं बस. मतलब ऐसी हालत होती थी बालाजी में शूट करते थे तब. बाकी भी जो थे प्रोडक्शन हाउसेस थे यूज़ टू शूट, अब भी ठीक हुआ है 13 घंटे 14 घंटे 12 घंटे. अब जो काम करते हैं यार, बहुत काम करना होता है 13 घंटे 14 घंटे. तो अब मैं बोलती हूँ 13 घंटे 14 घंटे, हम लोग 6-6 दिन घर नहीं जाते थे और तुम लोग 13 घंटे 14 घंटे की बात कर रहे हो. सो दिस अभी काफ़ी हद तक सिनेरियो चेंज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई थिंक. सिंटा की वजह से, या थैंक यू सिंटा, आपने हमें बचा लिया. यस, बिकॉज हर एक ह्यूमन बींग जो होता है उसे थोड़ी तो, कोई भी हो, मतलब जो भी एक लिविंग बींग है उसे इतना तो टाइम मिलना चाहिए कि वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दे, जो कि बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली. लेकिन जब आपने बता ही दिया है कि 6-6 दिन आप लोग शूट करते थे, तो 6 दिन एग्जैजरेट हो गया, 3 या 4 दिन हम लोग. ओके, सो 3-4 दिन में बाकी एक्टर्स ने किया है 6-6 दिन. एक एक्ट्रेस थी कौन से शो की पता नहीं, एम्बुलेंस सेट के बाहर है और उसको सलाइन लगी हुई है अंदर, और वो उसकी क्लोजेस के लिए सिर्फ अंदर जाके शूट करके वापस एम्बुलेंस में आके सलाइन लगा रही है. आई फॉरगॉट द नेम, शिवानी सम नेम, आई डोंट रिमेम्बर. एंड वो कुछ ज़्यादा हो गया था यार, कि आपको क्लोजेस देने हैं आपको उसका वो, तो आप उसको एम्बुलेंस वहाँ पर बुला के आपने शूट करवाया. तो आई डोंट नो, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया था, बट ये इतने इस एक्सट्रीम तक भी गए हैं ये लोग. ओके, सो चेंजिंग, बिकॉज अभी तो वैनिटीज़ वगैरह की फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है, आप लोगों के टाइम पे मतलब खासी थी, मतलब 17-18 years पहले भी मतलब इतनी फैसिलिटी मिल जाती थी. सो कभी चेंजिंग वगैरह में कोई आउटडोर शूट्स होते थे तो कोई ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है? रूम्स और चेंजिंग रूम्स और वैनिटीज़ को लेकर कभी कोई, बहुत अच्छी वैनिटीज़ मिलती थी, बहुत अच्छे रूम्स मिलते थे, बाकी वो कुछ नहीं, बस टाइमिंग, शूट टाइमिंग, दैट्स इट. कोई मेमोरी ऐसी शेयर करना चाहो आप, जो आपके दिल के आज तक मतलब इतनी इतने करीब है कि मतलब आप भूल नहीं पाते, वो जो रिस्पेक्ट मिली हो आपको सेट पर या आपके दोस्तों से? रिस्पेक्ट तो वो तब आप जब बहुत अच्छा शॉट देते हो और पूरा सेट आपके लिए तालियां बजाता है एंड खड़ा हो जाता है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है. आई थिंक वो जो इंस्टेंट अवार्ड होता है, वो जो एक एक्टर के लिए मिलता है, वो बड़े से बड़े अवार्ड्स भी बेटर होता है, बिकॉज आपने तभी परफॉर्मेंस दिया हुआ है और आपको पता है आपने बहुत अच्छा किया और सब लोग खड़े रह के तालियां बजा रहे हैं. आई थिंक ऐसे मोमेंट्स मेरे लाइफ में बहुत रहे हैं ड्यूरिंग लाडो एंड CID ऑल्सो. सो या वो वैसे ही है, बस बहुत सारे हैं वैसे तो. यस, ऑल्सो आई वॉन्टेड टू नो, कई बार ऐसा होता है ना, एक्ट्रेस बाहर आके अपनी बातें रखती हैं, कास्टिंग काउच जो होता है, क्या आप कभी कास्टिंग काउच की शिकार हुई हो? लाइक कोई कैरेक्टर पाने के लिए कहा जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा, कभी आपके साथ हुआ ऐसा? मुझे एक बार एक सन एंड सैंड में किसी ने बुलाया था साउथ इंडियन फिल्म के लिए. ओके, दे सेड वी विल टेक यू, वी लाइक योर लुक, वी वॉन्ट टू टेक यू इन दिस फिल्म, इतना वी विल पे यू. ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ है. पहली बार मुझे लगा हो गया, सेकंड टाइम मैं गई मुझे लगा नहीं होगा. हाँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बट दे वांटेड दैट, दे वर लाइक आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड हो सकता है हीरो के साथ भी करना पड़े. फ्रेंडशिप यूज़ किया था उन्होंने, तब भी मैं समझ गई फ्रेंडशिप का मतलब क्या है. तो मैंने बोला ऐसे नहीं, मैं नहीं करूँगी, तो आई लॉस्ट द फिल्म. उसके बाद मैं कभी साउथ इंडियन ऑडिशंस के लिए गई नहीं, बिकॉज
सब लोग ऐसे नहीं होते आई एम श्योर. अनफॉर्चुनेटली आई फेस्ड सर्टन पीपल हु हाँ बस रुकना ही. बट जब आपके जब अचानक से ऐसे आपको बोला गया उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ था कि अरे यार ये लोग भी ऐसे ही हैं. मतलब इससे आगे देखिए आप आगे बढ़िए आपकी यू हैव योर वाइव्स एट होम लाइक इससे आगे बढ़िए हो सकता है कि हम अच्छा काम करें अच्छा कुछ फ्यूचर में अच्छा बनाएं. यही इसी गंदगी में फंसे रहते हैं आप लोग कि कास्टिंग काउच होना चाहिए ये वो. सो दिस इज समथिंग आई डिडंट लाइक बट मेरा तो यही रिएक्शन था अरे यार ये लोग भी ऐसे ही निकले. ये लोग भी ऐसे निकले मतलब यहाँ पे भी ऐसा दो बार हुआ है साउथ इंडियन फिल्म के लिए ही. एक बार व्हेन आई वाज 19 तब हुआ था. तो कास्टिंग वाला जो बंदा था उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था दैट डोंट कॉल मी फॉर सच रोल्स. एंड सेकंड टाइम हुआ था आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ दैट व्हेन आई वाज 25-26 तब हुआ था. तो मुझे लगा अब तो सिनेरियो चेंज हो गया होगा लोग बदल गए होंगे बुद्धि आ गई सद्बुद्धि आ गई होगी लोगों में. ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड दे वर स्टिल द सेम. अनफॉर्चुनेटली आई फेस्ड दैट बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं. सो वैष्णवी मुझे ये भी जानना है हर एक इंसान के लाइफ में चाहे वो एक्टर हो डायरेक्टर हो मतलब हर किसी फील्ड में इंसान की लाइफ में एक डाउनफॉल आता ही है. आपकी लाइफ में कभी ऐसा डाउनफॉल आया एंड आया भी है तो कौन थे वो लोग जो आपके सपोर्ट में खड़े रहे? बिकॉज कई बार होता है कि फैमिली कम फ्रेंड्स ज़्यादा सपोर्टिव होते. आपकी लाइफ में ऐसा कोई डाउनफॉल आया? मेरी लाइफ में बहुत डाउनफॉल्स आए हैं आई डोंट लाई अबाउट दैट बट मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ सपोर्ट में खड़े रहे. लेकिन अभी अभी जो डाउनफॉल आया था पिछले 3-4 साल से माई फैमिली हैड ऑल्सो गिवन अपॉन मी कि तू छोड़ दे इंडस्ट्री छोड़ दे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट गोज इन द इंडस्ट्री एंड आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल लिक एसेस और हु विल सिट विद समबडी जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट वर्क. और मुझे वो नहीं होता है कि ओ माई गॉड यू आर अ बिग पर्सन मुझे तुम्हारे थ्रू काम मिलेगा और एनी थिंग वो मुझसे नहीं हो पाता है. तो मैं सोशलाइजिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ तो मे बी उस वजह से मुझे काम नहीं मिलता है इतने ईजीली. बट माई फैमिली आर गिवन अपॉन मी. माई फैमिली वॉज लाइक कि तू छोड़ दे तेरा कुछ नहीं होने वाला है. तब मैं थोड़ी टूट गई थी बिकॉज एक फैमिली होती है जो आपको कहीं ना कहीं पुश करती है कि करना. बट देन व्हेन दे सॉ दैट आई वाज स्टिल ट्राइंग दे वर लाइक अच्छा चल तुझे करना है वील सपोर्ट यू. सो दैट मॉरल सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बिन देयर एंड माई फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बिन देयर. देव ऑलवेज बिन लाइक कि देख तेरा नहीं हो रहा है तो कुछ टेंशन मत ले वी आर देयर फॉर यू. दैट वन सेंटेंस इज इनफ व्हेन दे गिव यू दैट वन एक सेंटेंस भी बोलता है ना कि तू टेंशन मत ले हम तेरे दोस्त हैं हम तेरे दोस्त हैं तू सोच मत किसी चीज़ के बारे में वी आर हियर फॉर यू. आई थिंक दैट्स इनफ. उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है. फाइनेंशियली कभी आपको इशू हुआ? हुआ है पर मैं ना बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हूँ तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है मैं सस्ते में कोई रोल कर लूँगी बट आई विल नॉट टेक मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स और फैमिली. वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है बस. सो हाल ही में कोई ऑडिशंस वगैरह दिया आपने? हाँ ऑडिशन चल रहे हैं मीटिंग्स चल रही है. आप प्रे कीजिए सब लोग मेरे लिए प्लीज आई शुड गेट अ गुड रोल. ऑल्सो रियलिटी शोज का बहुत बड़ा क्रेज है इन दिनों. अगर आप देख सकते हो बिग बॉस हुआ खतरों के खिलाड़ी हुआ क्या आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली या आपको अप्रोच किया गया मेकर्स की तरफ से? बिग बॉस के लिए अप्रोच किया था. दे कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू जिसमें मैंने बहुत गंदा इंटरव्यू दिया. घर पे जाके मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मेरे को इतना अच्छा चांस मिला था इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी मैंने इतने गंदे आंसर्स दिए हैं. पता नहीं मुझे वहाँ जाके क्या हो गया. मैं अच्छे खासे सोच के आई थी कि मैं बहुत अच्छे से सोच समझ के संभल के आंसर्स दूंगी फिर वहाँ जाके मैंने इतने गंदे आंसर्स दिए और मुझे नहीं लिया उन्होंने. तो वो हुआ था. खतरों के खिलाड़ी के लिए बात चल रही थी आगे जाके खतरों के खिलाड़ी के लिए बट हो नहीं पाया कुछ. तो दिस ईयर आई होप कि समथिंग कम्स अप. सो वैष्णवी खतरों के खिलाड़ी के लिए भी मतलब कैसे मीटिंग वगैरह हो गई थी? नहीं मीटिंग नहीं हुई थी सिर्फ बात हुई थी कि वुड यू लाइक टू गो. आई सेड यस और वहाँ आगे जाके फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ. स्टंट्स तो आपने ऑलरेडी इतने कर चुके हैं. हाँ मैं कर सकती हूँ. आई लव मैं तो वेट कर रही हूँ कि मुझे ऐसा कोई रोल मिला तो मैं स्टंट्स करूँगी. कोई भी मुझे स्टंट्स करना बहुत पसंद है. मैंने बहुत सारे शोज में किए हैं तो खतरों के खिलाड़ी इज़ टोटली मेंट फॉर मी. हर्षद जेनिफर जैसे एक्ट्रेस के साथ भी आपने काम किया है
कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, या कभी ऐसा फील होता है जब आप क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है ना कि लीड एक्टर्स होते हैं, और फिर कभी मतलब लीड एक्ट्रेस बनने का आपको दिमाग में आया कभी? मैंने बहुत सारे लीड शोज किए हैं, मतलब जैसे ये जो फीमेल डोमिनेटेड जो शोज होते हैं अगर आपने देखा, वैसे कोई शोज करने का आपका मन हुआ कभी? ऑब्वियसली मन हुआ, पर मुझे मिल नहीं रहा था ना काम। लाडो मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट लीड्स था। उसके बाद आई डोंट थिंक इंडियन टेलीविजन लीड का जो लुक है उसमें मैं फिट होती हूँ। इंडियन टेलीविजन में लीड्स बताइए कैसी होती है? मतलब एक जैसी होती है। तो वैसी मैं नहीं हूँ, मेरे बाल कर्ली है, मैं बहुत लंबी हूँ, मेरा फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आई हैव अ वेरी अनकन्वेंशनल फेस, तो वैसे मैं फिट हूँ तो रोल भी वैसा अलग होना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपका लुक भी अलग हो तो आपके लिए कोई अच्छा मतलब अलग कैरेक्टर बनाया जाता है, आपको ध्यान में रखा है। माही वाज अ गुड कैरेक्टर, माही वाज अ गुड कैरेक्टर, तो मैं कैरेक्टर्स के लिए रोल करने लगी। तो जेनिफर एंड हर्षद के साथ आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, हम बहुत मस्ती करते थे सेट पे, सेम एज के है ना दोनों तीनों, ऑलमोस्ट दे आर एल्डर देन मी, बट वैसे तो तीनों बहुत मस्ती करते थे, मुझे बहुत मजा आया बेपना करके। सो आपके जो शोज आ रहे हैं क्या कोई शो फॉलो करते हो आप, मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक चल रहा है? मैं अपना इंडियन शोज में से कोई शो नहीं देखती हूँ, आई एम सॉरी। ओके, बट कभी ऐसा हुआ है आपका जो मतलब सीआईडी के भी जो एपिसोड्स किए आपने, क्योंकि आपको तो पता ही है तो सीआईडी फैंस जो टैग करते हैं ना, अब मैं वो देखती हूँ। ओके, अब मैं देखती हूँ ये मैंने ये क्या किया ये क्या किया मैंने, ओ गॉड, बिकॉज आप एज एन एक्टर बढ़ गए हो ना एक्टिंग वाइज, और अब तब छोटे भी थे तो आपको समझ नहीं दी इतनी, अब थोड़ा आप खुद को देखते हो पीछे तो और अच्छा कर सकती थी यार ये क्या कर रही है, बट आई एम हैप्पी कि वो उस टाइम के हिसाब से वो एक्टिंग ठीक थी, उस टाइम के हिसाब से वो लुक भी ठीक था। ओके, सो अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो फीमेल जो एक्ट्रेस होती है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है या मेल की? सी आई डी में मेल्स की ज़्यादा थी, बाकी शोज में फीमेल्स की ज़्यादा होती है। ओके, यानी अगर लाडो या बेपना की बात करें तो उसमें फीमेल्स की ज़्यादा होती है। ओके, बट आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया, बिकॉज आपने कैरेक्टर्स तो इतने सारे किए, आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर है आपका? मेरे दिल के करीब मेरे सारे कैरेक्टर्स है, इट्स लाइक योर ट्रेंड टेलिंग द बच्चा कौन सा आपका अच्छा है वाला सीन, बट जो लोगों को बहुत पसंद है वो ताशा फ्रॉम सी आई डी एंड लाडो की जानवी एंड माही फ्रॉम बेपना, ये तीन कैरेक्टर्स है जो हमेशा लोग देखते हैं और हमेशा लोग याद करते हैं कि ये तीन आपके वो है मतलब परमानेंट फेवरेट्स है। बट वैष्णवी किससे ज़्यादा रिलेट करती थी? ताशा, बिकॉज मुझे मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है मुझे ऐसे अच्छा ये क्या चल रहा है ये वो बहुत पसंद है, मतलब ऑब्जर्विंग पीपल वो सब कुछ साइकोलॉजी, तो ताशा। ओके, बट अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे जानवी ऑल्सो, ओके हाँ जानवी का भी कैरेक्टर आई लव्ड इट, बट अगर आपकी लाइफ में ऐसी कुछ मिस्ट्री होती है तो कौन है मतलब आपकी मिस्ट्री सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करता है? भाई मेरा। ओके, वो मुझे इतना अच्छे से जानता है ना कि मैं कुछ सोच रही हूँ तो वो मुझे बता देता है कि तू ये सोच रही है। ओके, बचपन से साथ में है ना, तो माय ब्रदर हेल्प्स मी। ऑल्सो अगर मतलब ये एक्ट्रेस ही नहीं, मतलब मैं हर एक नॉर्मल जो फीमेल्स हैं उनकी भी अगर बात करूँ मैं, आपको पता है आजकल मतलब जनरेशन इतना फास्ट हो गया है अपना, कई बार होता है मतलब अभी भी फीमेल जो एक्ट्रेसेस हो या नॉर्मल वुमेन्स हो आप देख सकते हो कई क्राइम्स हो रहे हैं अभी, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कैसे खुद के लिए लड़ना चाहिए इंसान को? सबसे पहले तो हमें इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है फिजिकल के साथ साथ, हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं मार्शल आर्ट्स फिजिकल फिटनेस योगा जिम जाना एप्स चाहिए ये वो, बट आजकल जो मनस्थिति है लोगों की उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग, और फिर उसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअली और फिजिकली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अटैक आप पर फिजिकली हो, कभी कभी आप पर अटैक मेंटल भी होता है इमोशनल भी होता है और वो भी बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाता है और उससे भी बहुत नुकसान होता है और बहुत दिनों तक आप उससे हील नहीं कर पाते, तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हर तरफ से होनी चाहिए, तब जाके आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होके वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू विल बी एबल टू फेस इट विद दैट मच स्ट्रेंथ एंड विद दैट मच ग्रेस, क्योंकि हमेशा आपकी हेल्प करने सब लोग नहीं आएंगे,
कभी कभी आपको पूरी तरह से खुद के लिए खड़ा होना होता है. मतलब वैष्णवी अपनी लाइफ में खुद स्टैंड लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है. ऑलवेज रेडी. दैट्स व्हाई आई वेयर शूज. शूज से क्या कनेक्शन? मतलब ही इज ओके. या तो मतलब मारने में विश्वास रखते हो आपकी? मतलब अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं हाथ उठा दूंगी. हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट. अगर कोई मार रहा है तो, पर मैंने कभी मारा नहीं है. मुझे अगर मारा गया है तो द थिंग इज, मैंने ये सोचा कि अगर मैंने भी उस इंसान को मार दिया उल्टा, तो मेरे मुझ में और उस इंसान में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा. तो फिर वही हो जाएगा कि वो दो गधों की लड़ाई चल रही है और मुझ में उतनी स्ट्रेंथ है कि मैं उसे हैंडल कर सकूँ. आई थिंक सो. ऑल्सो आपकी लाइफ में अब तक कोई आया ऐसा जो आपको समझ पाया हो या? नहीं यार, अब तक तो आई एम वेटिंग स्टिल. मतलब कभी भी कोई नहीं आया? नो, आई डोंट सोशलाइज. आई एम नॉट ऑन दीज डेटिंग एप्स. मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत फोर्स करते हैं, तू बम्बल ज्वाइन कर, तू टिंडर ज्वाइन कर, क्योंकि तू बाहर ही नहीं निकलती है. तो तू घर पे बैठे बैठे यू सर्च फॉर योर डेट्स समथिंग यू डू. I don't do anything. But industry में इतने साल आप रहे, मतलब कभी कोई connection नहीं हुआ आपका किसी के साथ? हुआ है connection, but workout नहीं हुई कभी चीज़ें. मतलब वैष्णवी को कैसा लड़का चाहिए? मेरे जैसा. Okay. Vegetarian होना चाहिए, बहुत important है. ऐसे नहीं है side में non-veg खा रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के veg खा रही हूँ. और core values match होना बहुत ज़रूरी है. Core values मतलब family background कैसा है, elders को कैसे treat करते हो आप लाइफ के स्ट्रेस और टेंशन्स को कैसे हैंडल करते हो. क्या आप स्ट्रेस और टेंशन है तो आप पागल हो जाते हो, आप मादा पीटी करने लगते हो, आप मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो, या आप योर इन योर पापा नक होके आप सीधा सोच के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन एंड इन अ मैन. एंड ही शुड बी एबल टू हैंडल माई टैंट्रम्स एंड माई, बिकॉज होते हैं लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं. आई शुड बी एबल टू हैंडल हिज टैंट्रम्स एंड मूड स्विंग्स, वो भी होते ही हैं. तो ऐसा नहीं होता कि इट्स ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज, देर आर थॉर्न्स ऑल्सो. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ही शुड बी द यिन टू माई यांग. ऑल्सो वैष्णवी, जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, वो हमें ज़्यादा समझती हैं. या तो जब आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, कई बार बिकॉज मूड स्विंग्स का आपने जो नाम लिया, मूड स्विंग्स हमें कभी भी आ सकता है. बिकॉज मेरे साथ भी, मैं इस फील्ड में हूँ, कई बार मुझे मूड स्विंग्स होते हैं और मैं मेरी मम्मी को ज़रूर बताती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो गया, और वो मतलब हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हमें कई बार ना बहुत अच्छा आइडिया दे देते. आपके साथ कभी ऐसा हुआ सेट पे किसी से बहस हो गई हो, या आपको किसी की बातें बुरी लगी हो बट आप सामने नहीं बोल पाए हो, बट घर पे आपने जिक्र किया हो? बहुत बार हुआ है. मम्मी ने मुझे हमेशा यही बोला है कि तू बहुत चीज़ें दिल पर लेती है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, जाने दे देना चाहिए, उस पर इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए. बिकॉज खुद की ही आप खुद को ही टेंशन में लाते हो, और आप ओवर थिंकिंग करके जो बात इतनी सी होती है आप उसको इतना बड़ा बना देते हो. भले आपको किसी सेट पे ऐसे अनकम्फर्टेबल फील हुआ है, लाइक एक्ट्रेस के बीच में आपको अनकम्फर्टेबल कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, हुआ है कभी? मतलब किस सेट पर हुआ था? नहीं बताऊँगी. बट हुआ क्या था ये तो बता सकते हो ना? यही ही वो उनकी इनसिक्योरिटी होती है. जब भी कोई एक्टर आपको इग्नोर कर रहा हो या आपको, तो आप समझ जाना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वो उस पर्सन की जलसी और इनसिक्योरिटी है कि वो अगर ऐसे है आपके साथ तो इसका मतलब है कि उसको आपसे प्रॉब्लम हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो. क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या दिख रहे हो या उनसे बेटर कर रहे हो, अदरवाइज क्यों होगी? राइट. है ना? तो वो समझ के मैं बोलती हूँ छोड़ बच्चे हैं जाने दो. बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ ज़्यादा हुआ है, एक हाथ दो बार ही हुआ है. एंड एक्चुअली बच्चे हो जाने दो, सोच समझ के मैंने जाने दिया है. ओके. सो पार्टीज वगैरह होती है कई सारी, आप पार्टीज वगैरह में भी नहीं आते हो? कम जाती है. या मतलब मोस्टली तो मैंने देखा नहीं आपको. मतलब बहुत रेयरली अगर आप कहीं पे प्रेजेंट रहे होगे, बट क्यों ऐसा? मतलब पार्टी पर्सन नहीं हो आप, या इनवाइट्स नहीं आते, या आप जाना नहीं चाहते, या मिलना नहीं चाहते? मुझे इनवाइट्स बहुत आते थे पर मैं जाती नहीं थी, तो अब आते ही नहीं. और मुझे अफसोस भी नहीं होता, लेकिन अब अफसोस हो रहा है. बिकॉज पार्टीज में जाने से बस 10 मिनट ही चले जाओ, कम से कम 15 मिनट ही बस अपने लोगों से मिल के, सबसे मिल के आ जाओ, वो हो जाना चाहिए. बिकॉज वैसे ही आप टच में रहते हो इंडस्ट्री में, और कोई तरीका है नहीं. तो मुझे स्वास्तिक के पार्टीज आती है, अगर कोई और प्रोडक्शन के, तो मैं जाती हूँ
10-15 मिनट्स रुकती हूँ, फोटोज़ मेरे होते नहीं हैं क्योंकि मैं भाग जाके 15-20 मिनट में आई कम बैक होम। मुझसे ज़्यादा क्राउड सहन नहीं होता। ओके सो अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ किस सेट पर आपका मतलब दिल ज़्यादा, बिकॉज अगर हम कहीं काम करें ना तो दिल लगना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप मेंटली नहीं तैयार हो तो फिर आपसे वो काम भी अच्छा नहीं होता। बट आपके साथ कभी हुआ ऐसे कोई कैरेक्टर लेकर आप मतलब बाद में पछताए हो कि मैंने ये क्यों किया? कभी ऐसा हुआ है? और मतलब कोई है मैंने जो भी कैरेक्टर लिया अगर मुझे थोड़ा सा उटपटांग भी लगा तो भी मैंने उसे एंजॉय करने की कोशिश की और एंजॉय किया, बिकॉज अगर मैं उसे एंजॉय नहीं करूँगी तो वो इट विल कम अक्रॉस एज डेड ऑन स्क्रीन, तो वो मैं अपने काम के साथ कर नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने उसे समझ के अपना बना के परफॉर्म किया। अब कैसे शोज़ करना चाहते हो एंड कैसा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो? ऑल्सो अब OTTs का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, लाइक एवरी वन वॉन्ट्स टू गो इन OTT, सो क्या कैसा कैरेक्टर आपको करना है एंड कैसी सीरीज़ करनी है या फिर शोज़ ही करना है, क्या है आपका? मुझे मैं ये नहीं देख रही हूँ कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, मैं कैरेक्टर के पीछे ज़्यादा हमेशा से रही हूँ, तो मुझे अब वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नहीं प्ले करने जो हमेशा से मुझे मिले हैं ना कि ये स्ट्रॉन्ग लड़की है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ब्रीफ, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज़ NRI, उसका ये है, वो सब मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समबडी हु इज़ अ सिंपल गर्ल, हु इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर, जो नॉर्मल जिंदगी जी रही हो, क्योंकि मैंने कभी प्ले ही नहीं किया है वैसा रोल। मैंने हमेशा लाडो से लेके ताशा से लेके सारे जो शोज मैं उस दिन देख रही थी उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग ही है कि वो किसी चीज़ के लिए खड़ी है, वो लड़कियों के लिए लड़ रही है, वो इसके गैन वो कर रही है, सबको हेल्प कर रही है। मुझे अब ऐसा कुछ चाहिए जिसमें लोग मेरी हेल्प कर रहे हो, जिसमें मुझे कोई बचाने आ रहा है, क्योंकि मैं ही सबको बचाने जा रही हूँ हर शो में, मुझे मतलब कोई बचाने नहीं आ रहा। कुछ ऐसे बदलाव हुए आपको कि ऐसा कैरेक्टर करना है कि आपको वो फील करना है? मैंने ग्राफ देखा अपना एक्टिंग का, मैंने बोला यार कुछ अलग करना है। हाँ, अब 17 इयर्स के बाद अगर मैंने कुछ अलग नहीं किया तो मैं पागल हूँ, मतलब मुझे मैं खुद को ही आई शुड हिट किल माई सेल्फ, बिकॉज अब मैं वापस वैसे ही रोल करूँगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा प्ले करने में। तो अभी मुझे ऐसा करना है कि आई एम अ डोसाइल टिमिड गर्ल, बेचारी सी कोई आके मुझे बिकॉज इट्स डन ना, अभी कितना और स्ट्रॉन्ग गर्ल। वुमेंस डे की कोई ऐसी स्पेशल मेमोरी आप शेयर करना चाहो जो आपको आज तक मतलब किसी ने स्पेशल फील कराया हो सेट पर या फ्रेंड्स में, घर पे, भाई ने? वुमेंस डे पे तो बेस्ट चीज़ तो सेट पे चैनल के थ्रू हमको वो आते थे जूसेस या शेक्स भेज देते थे वो लोग, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन वाले समोसा पार्टी कर देंगे कभी शाम को। फैमिली की तरफ से कुछ? मेरी फैमिली को पता भी नहीं है वुमेंस डे का बात है। मम्मी उनको कोई पढ़ी भी नहीं है वुमेंस डे उनके लिए क्या, बर्थडे भी नहीं इम्पोर्टेंट है तो वुमेंस डे तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके अगर मैं आपकी बात करूँ, आप अब तक आपकी लाइफ में आपने सबसे बड़ा स्टैंड खुद के लिए क्या लिया है? अभी रिसेंटली मैंने मेरे फैमिली के अगेंस्ट एक चीज़ की थी और वो मैंने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था कि चाहे कोई भी हो, नोबडी हैज़ अ राइट टू हिट मी, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, परिस्थिति कुछ भी हो, नोबडी हैज़ अ राइट टू रेज देयर हैंड ऑन मी, चाहे फिर वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। सो ये बहुत बड़ा स्टैंड लिया था बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से चुप थी और काफ़ी टाइम से इस बारे में बोल नहीं रही थी, बट इट हैड टू कम आउट एंड इट हैड टू, मुझे स्टैंड लेना पड़ा खुद के लिए। बट एग्जैक्टली हुआ क्या था वैष्णवी आपके साथ जब आपने इतना बोल दिया? नहीं, इस बारे में नहीं और नहीं। ओके सो अब कैसी, अब चीज़ें सब, अब चीज़ें सही है, सॉर्ट आउट है, फैमिली भी फाइन है, फैमिली भी एकदम दुरुस्त हो चुकी है मेंटली, मैं भी दुरुस्त हो चुकी हूँ मेंटली, तो मैं वापस सब उस डार्क मेस में नहीं जाना चाहती। देयर वॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है, हम मेरी तरफ से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मुझे मारे, क्योंकि उनकी तरफ से जब गलतियाँ हुई तो मैंने तो उन्हें नहीं मारा, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। अभी हम वो लोग रुके भी थे यहाँ पे, आए थे 20-25 दिन, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ पहले जैसा हो गया, टचवुड। सो आई जस्ट होप एंड प्रे कि मेरी फैमिली सलामत रहे, मैं भी सलामत रहूं और जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो। ऑल्सो वैष्णवी अब
आपका क्या प्लान है वुमेंस डे पे, क्या करने वाले हो? कुछ नहीं यार, घर पे रहूंगी और अच्छे मैकडोनल्ड्स नहीं तो कुछ मंगवा के खाऊंगी ओके बस दैट्स इट एंड आई विल पोस्ट अ पिक्चर या सोशल मीडिया की अगर बात करें, अभी आपने पिक्चर पोस्ट करने की बात की, आप देख सकते हो सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया. इनफैक्ट आप लोगों के जो CID के क्लिप्स हैं एंड जो नाना इस मेरी देश लाडो के कई क्लिप्स कई बार वायरल होते हैं, जो आपने खुद अभी बताया था थोड़े टाइम पहले कि आपको टैग भी किया जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर आपके टाइम पे सोशल मीडिया इतना, बिकॉज अगर अब आपके क्लिप्स इतने वायरल हो रहे हैं, अगर उस टाइम अगर सोशल मीडिया स्ट्रांग रहा होता, हम लोग कितने फेमस हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे हमारे लाइक्स कितने हो जाते ना तब, बट अब तो था ही नहीं. बट वॉट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये सोशल मीडिया कई बार अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सोशल मीडिया को दिमाग से बाहर रखिए, दिल से बाहर रखिए, उसको एक सोशल बिजनेस समर तरह से रखिए, बिकॉज इट कैन मेस विद योर हेड रियली बैड. आप इतना कंपैरिजन करने लगते हैं, ओ ये ऑस्ट्रेलिया गई है और मैं यही बैठी हूँ यहाँ लोखंडवाला में, यू नो आपके अंदर वो जलसी क्रिएट होती है, जबकि हालांकि जो दिख रहा होता है शायद वो सिनारियो हो ना, हो सकता है आप ज़्यादा खुश है गांव में बैठ के रोटी खा के, आप ज़्यादा खुश है और जो दिखा रहे हैं कि हम पासपोर्ट लिए, वो शायद वो अंदर से खोखले हो. तो ये जो क्रिएट किया जाता है ना, इतना बड़ा सोशल मीडिया का हाइप किया जाता है, आई डोंट थिंक उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए. सोशल मीडिया को बिजनेस के तौर पे ही रखना चाहिए, उसे पर्सनल लाइफ में घुसने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से. सो कोई ट्रिप्स वगैरह प्लान है कि नहीं, कहीं घूमने जाना है आपको? बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा मेरे लिए. हाँ अकेले नहीं जाना मतलब? नहीं, अब मैंने बहुत अकेले ट्रैवल कर लिया, अब मुझे आई नीड अ बॉयफ्रेंड इन माई लाइफ. लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड चाहिए आपको? शादी? शादी? ओ शादी चाहिए डायरेक्ट. सो गाइज, जो भी इंटरव्यू देख रहा है, प्लीज अगर आपको वैष्णवी से रिश्ता जोड़ना है तो प्लीज आना. बट उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है जो वैष्णवी ने ऑलरेडी बता दिया है. तो क्या कहना चाहेंगे गाइस, ऑलरेडी देख सकते हैं आप, भाग गए? नहीं, कोई भागा नहीं है. सो आपने देख लिया है, वैष्णवी ने अभी कहा है कि वो इंटरेस्टेड है शादी करने में. ओके वैष्णवी, सो क्या मतलब सच में आप मेंटली प्रिपेयर हैं शादी के लिए? बिकॉज मैरिज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिग डिसीजन एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो फ्रेंड्स की अभी शादी हुई है, मतलब उनसे कुछ आप राय मशवरा लेते हो शादी के रिगार्डिंग? बिल्कुल. या वो लोग आपसे पूछते कब कर रही है शादी? वो लोग तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो लोग बोलते हैं तू कब कर रही है शादी, बिकॉज माई मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड एंड टच वुड हैप्पीली मैरिड. सो वो लोग मुझे बोलते हैं तू अब लड़का ढूंढ. अच्छा, वो लोग ढूंढ के लाते भी हैं मेरे लड़के, बट आई डोंट लाइक देम, सो रिजेक्ट हो जाते हैं. फिर ऐसे कुछ जो अच्छे लगते हैं वो उनका किसी और के साथ शुरू हो जाता है बिफोर आई कुड रीच देम. हाँ, ऐसे हुआ है कि फैमिली और फ्रेंड्स ने ढूंढा है पर मुझे नहीं अच्छा लगा. आई एम रियली वेटिंग. ओके, अगर आपको मौका मिला होता टीवी इंडस्ट्री में किसी को चुन के उससे ही करना, जिनके साथ आपने काम किया उनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते, कौन होता? किससे आप कर लेते? आई वॉन्ट टेल. बट एक क्वालिटी होती है ना कि किसी के साथ काम कर रहे या नहीं भी कर रहे उनके बारे में. नहीं, ये नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं नाम लूंगी तो बहुत. नहीं, आप हिंट तो दे सकते हो. और नाम लेने में भी क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, बिकॉज हर एक इंसान को एक कॉफी आती है, जैसे भी आपको नहीं, नहीं, फ्राइज नहीं, इतना पसंद है. आई नो, यू आर वेरी स्मार्ट. बिकॉज फ्राइज आपको पसंद है, फ्राइज तो खा रहे हो ना, मतलब अपनी पसंद बताने में क्या जाता है? नहीं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद. नो, बट क्वालिटी अगर आप बता दो, जो भी इंसान आपको पसंद था एज अ मैरिज मटेरियल. सी, आई टोल्ड यू, यू शुड हैव गुड मॉरल. लाइक जो आपको पसंद था, जिसका नाम आप नहीं लेना चाहते अभी. मुझे नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है अभी इंडस्ट्री में से. ओके, मतलब अभी मैंने आपसे पूछा ना, बोले नहीं नाम नहीं बताऊंगी. है कोई तो, बट वो जस्ट इट्स जस्ट अ क्रश. ओके, या क्रश तो होना चाहिए. इनफैक्ट मेरे मेरा भी क्रश है. क्रश तो क्रश होता है ना, उसको आप सीरियसली थोड़ी लेते हो. बट कौन है वो क्रश, अगर वो नाम बता दो? मैं नाम नहीं बताऊंगी. फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, फिटनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज मुझे फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट है. तो साथ में वर्कआउट करने की हिम्मत होनी चाहिए एंड एम्बिशियस होना चाहिए. फैमिली को साथ लेके चलने वाला इंसान चाहिए, जो इतना सेल्फिश ना हो कि बस बीवी मिल गई तो बस
फैमिली को भूल जाए, फ्रेंड्स को भूल जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, सो लास्टली वैष्णवी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, बीइंग अ वूमेन, आप एक मतलब इतने साल से इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, मेंटली, मतलब हर जगह से आप इतने स्ट्रांग भी हो, खुद को आपने इतना रिजर्व भी करके रखा है, मतलब अभी तक आप इंडस्ट्री में आपका नाम है इतना अच्छा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक फीमेल हो चाहे वो मतलब छोटी हो बड़ी हो किसी भी फील्ड की हो, कितना खुद को कैसे स्ट्रांग रखना चाहिए और इस भागती दौड़ती दुनिया में खुद को कैसे रिजर्व रखना चाहिए कि हाँ मैं हूँ. इसका श्रेय मैं मेरी माँ को देती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है, क्योंकि कभी भी मैं जब डगमगाई हूँ, जहाँ जब मुझे लगा है कि अब मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ खुद को, तो मेरे मम्मी ने और पापा ने मुझे सपोर्ट किया है, बैक स्ट्रांग बैक बोन्स, कि कठिनाइयाँ तो आती रहेगी जीवन में, लेकिन आप उसे कैसे फेस करते हैं, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, सबसे बड़ी आपकी शक्ति वो है. कोई भी बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अंदर से कैसे हैं. और मुझे अभी हो गया है 13-14 साल योगा करते करते, एंड योगा प्राणायाम ने मुझे इतना हेल्प किया है ना, कि अगर मैं योगा प्राणायाम नहीं कर रही होती, मेडिटेशन नहीं कर रही होती, तो शायद मैं भी भटक गई होती, शायद मैं भी ड्रग्स में चली जाती या कुछ हो जाता या लड़कीबाजी, मतलब आई डोंट माइंड पीपल हु डू दिस, लेकिन उसका जो मेंटल हेल्थ इशू होता है उस वजह से वो मुझे फेस करना पड़ता. और काफ़ी साल से मैं अकेले भी रह रही हूँ, तो मुझे वो भी उसने भी शांत रखा है उस चीज़ ने. तो आई थिंक खुद से कनेक्टेड रहना, खुद के रूट्स से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, फैमिली से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास फैमिली नहीं है, तो अपने आप से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ से शांति और खुशी मिलती है. पीस ऑफ माइंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप बड़ा सा गले का हार, नौलक का हार भी पहन ले तो भी शायद आप खुश ना रहे, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड, जब सुकून जो होता है ना, वो सबसे बड़ा गहना होता है. इसी से थैंक यू सो मच वैष्णवी, आपने इतना टाइम निकाला खुद का एंड आप यहाँ आए, एंड आई प्रे टू गॉड कि आपको अच्छे से कोई कैरेक्टर मिले एंड आप वापस से टेलीविजन पे आओ एंड आपके फैंस आपको देखना चाहते हैं फिर से. सो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भी फैंस को यही कहना चाहूँगी कि जितना आप मुझे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उतना मैं भी स्क्रीन पर आना चाहती हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे अगला जो भी रोल आएगा उसके लिए, एंड जो भी आएगा आई लेट यू गाइस नो. एंड प्लस प्रे कीजिए कि मुझे जल्दी से कोई अच्छा सा रोल मिल जाए, सो दैट आई गेट कनेक्टेड विद यू ऑल सून. दैट्स गुड, थैंक यू सो मच वैष्णवी. थैंक यू. हे, दिस इज वैष्णवी धनराज एंड यू गाइस आर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला.